दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से मुकरबा चौक तक आज फिर चल रही है बिना परमिट की इको गाड़ियां। ये हालात तो तब है जब जीटी रोड पर हर 10 किलोमीटर पर ट्रैफिक पुलिस की टीम रहती है और गाड़ियों के चालान करती रहती है। दिल्ली में जीटी के रोड पर अलीपुर शनि मंदिर के पास कार सवार युवक पर कल 26 अगस्त को बदमाशों ने की थी फायरिंग। फायरिंग में सड़क किनारे पानी बेच रहा शख्स घायल हो गया था, पांव में लगी थी गोली। लेकिन आज फिर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से मुकरबा चौक तक अवैध रूप से बिना परमिट के गाड़ियां चल रही है। इस रोड पर हर 10 किलोमीटर पर ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात रहती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इनको रोकने की जहमत नहीं उठाती। अब इतने बड़े हादसे के बाद भी जब पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही तो क्या समझा जा सकता है। ये नज़ारा है सिंघू बॉर्डर का, जहां खुलेआम इको कार वाले सवारियों को गाड़ी में बैठा रहे हैं और वहीं पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद है, लेकिन वह और उसका साथी इनको रोकने की या चालान करने की या गाड़ी बंद करने की जहमत तक नहीं उठा रहे हैं। आज जब हमारे पत्रकार रामा खत्री ने सवारी भरते इको कार वालों के विसुअल करने की कोशिश की तो पत्रकार को रोका गया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बात करने पर पुलिसकर्मी ने बताया कि इको वाले किसी की नहीं मानते, हमने तो काफ़ी चालान किए हैं लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। अब सवाल ये है, जब ट्रैफिक पुलिस इनको कंट्रोल नहीं कर सकती तो इनको कंट्रोल कौन करेगा? या पुलिस दूसरे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? ये अवैध रूप से चल रही इको गाड़ियां हादसे तो कर ही रही है, अब इनको ऑपरेट करने वाला गिरोह क्राइम भी करने लगा है। जरूरत है इस पर लगाम लगे। तो यूं रही है कि भाई इनकी आदत पड़ी हुई है सालों। अच्छा। दूसरा जो डोर उसके मशीन में मेरे में सुबह से सुबह जय भगवान साहब, जय भगवान है दोनों। राम कुमार, राम कुमार, आप कहाँ से हो? अरे बड़े भाई क्यों ऐसे? हम आपसे मिल के चलने वाले हैं, हम बाहर हो तो बताओ।